इमरान खान ने जब पाकिस्तान की सत्ता हासिल की तो आवाम को ये बताया था कि वो नया पाकिस्तान बना कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने काल में पाकिस्तान पर चढ़े विदेशी कर्ज को खत्म कर देंगे। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान खान ने पाकिस्तान को कंगाल बना कर रख दिया। आज हालात ऐसे हैं कि देश चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे तक नहीं है। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा, उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी। अब इमरान खान ये कहते थक नहीं रहे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश पैसे की कमी से जूझ रहा है, इस वजह से पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ रहा है। इस बयान के बाद उनके वादे पर सवाल उठना शुरू हो गया है। इमरान ने टैक्स रेवेन्यू में कमी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया है। इतना ही नहीं, इमरान खान ने टैक्स ना भरने वालों पर भी तंज कसा और ये कहा कि टैक्स ना भरने की प्रचलित संस्कृति औपनिवेशिक काल की विरासत थी, जब लोग करों का भुगतान करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका पैसा उन पर खर्च नहीं किया जाता था। और फिर मैं दुनिया में भी फिरा हूँ, लोग टैक्स देते हैं, या हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। तो मैंने अपनी तरफ से एनालाइज किया कि इसकी क्या वजूहत होंगी। तो एक तो कॉलोनियल कल्चर मुल्क में कि जब पराये की हुकूमत थी तो उससे टैक्स चोरी करना कोई स्वाब का ही काम लोग समझते थे कि हम क्यों टैक्स दें इसको, बाहर से कोई हुकूमत आके हमारा पैसा उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। तो एक एक वो एक थिंकिंग थी यहाँ, जबकि जो लोग ये समझते हैं कि ये जो टैक्स इकट्ठा होगा ये हमारे पे खर्च होगा, तो उनकी एटीट्यूड और होती है बनिस्बत उन लोगों की जो समझते हैं कि ये टैक्स इकट्ठा करके तो हमारे से बाहर ले जाएंगे। इमरान खान ने ये कहा है कि उनकी सरकार को पिछले 4 महीने में करीबन $3 अरब का नया विदेशी कर्ज मिला है। आर्थिक मामलों के मंत्रालयों के आंकड़ों से ये पता चलता है कि पिछले साल के समान अवधि में प्राप्त ऋण की तुलना में उधार अब $580 मिलियन या 18% अधिक था। इमरान खान ने बड़े पैमाने पर ऋण प्राप्त करने के लिए 2009 से 2018 तक पिछली 2 सरकारों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान केवल करों का भुगतान करके कर्ज से दुष्चक्र को दूर कर सकता है। पाकिस्तान को नहीं मिल रहा कर्ज, IMF ने पाकिस्तान पर कर्ज दिया शिकंजा, पाकिस्तान का आतंकी प्यार पड़ा है भारी। इमरान ने कहा कि खर्च ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान निवेश नहीं कर पा रहा, इस वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा। पिछले दिनों IMF ने पाकिस्तान को $6 अरब का लोन देने से इनकार कर दिया। IMF को मनाने के लिए इमरान सरकार ने बिजली और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी भारी इजाफा किया, लेकिन इस कदम से भी IMF संतुष्ट नहीं हुआ। IMF से कर्ज नहीं मिलने के बाद अब PM इमरान को चीन या खाड़ी देशों से लोन लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए तक पैसा नहीं। पाकिस्तान के बार बार लोन लेने से IMF भी परेशान हो चुका है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है और पाकिस्तान के सामने 5 शर्तों को रख दिया है। ये साफ कहा है कि पाकिस्तान जब तक इन शर्तों का पालन नहीं करेगा तो तब तक उसे कर्ज नहीं दिया जाएगा। इनमें से 2 शर्तें बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने को लेकर थी, बाकी 3 मांगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान संशोधन बिल लाना, टैक्स छूट रद्द करना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सरकारी दखलंदाजी से मुक्त कराना है। दिक्कत ये है कि इमरान सरकार को ये तीनों ही शर्तें पूरी करने के लिए संसद के पास जाना होगा। विपक्ष के सहयोग के बिना ये बिल पास नहीं हो सकते। सरकार अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ये कोशिश करती भी है तो इसमें भी 6 महीने लगेंगे, तब तक पैसा कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी प्यार के कारण आज ये हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है
और दुनिया के देशों से पाकिस्तान को अगर मदद नहीं मिलती है तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान के नेताओं की नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।